गुड्डू मुस्लिम को लेकर क्या कहना चाहता था अशरफ? कौन सा राज सीने में लेकर दुनिया से रुखसत हुआ अशरफ? किसकी गद्दारी अतीक अशरफ की जान पर पड़ी भारी? कौन है असली गुनहगार? पूछताछ में अली ने उगला राज। माफिया अतीक अहमद और अशरफ अहमद जो कभी दहशत और खौफ का दूसरा नाम थे, आज से ठीक एक साल पहले पुलिस कस्टडी में उनकी हत्या कर दी गई। दोनों पर जब हमला हुआ था तब मीडिया कर्मी भी वहां मौजूद थे। मौत से पहले अशरफ मीडिया से बात कर रहा था, अचानक हमलावर सामने से आए और गोलियां तड़तड़ाने लगे। फायरिंग होते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। अतीक और अशरफ को हमलावरों ने गोलियों से छलनी कर दिया था। हमलावर लगातार गोलियां बरसाते रहे जब तक कि अतीक और अशरफ की सांसें थम नहीं गईं। हमने आपको अभी बताया कि जब अतीक और अशरफ पर हमला हुआ तब उसने कहा कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम इससे आगे वो कुछ कह पाता, फायरिंग हो गई। गोली लगने से अशरफ मौत के आगोश में चला गया और उसकी बात अधूरी रह गई। पीछे रह गए तो केवल सवाल। इन सवालों से सब सिर्फ अंदेशा ही लगाते रहे, लेकिन असल बात किसी को पता नहीं चल सकी। और अतीक और अशरफ की मौत के ठीक एक साल बाद इस राज से पर्दा उठा है कि आखिर अशरफ गुड्डू मुस्लिम को लेकर क्या खुलासा करना चाहता था। दरअसल अतीक का बेटा अली फिलहाल जेल में बंद है। उससे पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गुड्डू मुस्लिम गद्दार था, उसी की गद्दारी असद की मौत की वजह बनी। अली ने पुलिस को बताया कि गुड्डू मुस्लिम ने ही असद की लोकेशन को लेकर मुखबिरी की थी। जब उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया गया था तब असद को कार से बाहर नहीं निकलना था, लेकिन गुड्डू मुस्लिम ने इशारा करके उसे कार से बाहर निकलवाया। उमेश पाल की हत्या के बाद असद गुलाम के साथ दिल्ली पहुंच गया, जहां वो बाटला हाउस में ठहरा। अली के मुताबिक असद की लोकेशन सिर्फ और सिर्फ गुड्डू मुस्लिम जानता था, उसी ने गद्दारी की और अपनी जान बचाने के लिए असद को दांव पर लगा दिया। बकौल अली, जब असद और गुलाम को यह पता चला कि पुलिस जानती है कि असद बाटला में है, तो वो फौरन वहां से निकल गए और झांसी पुलिस की गोली का निशाना बन गए। वहीं जिस दिन असद और गुलाम का एनकाउंटर हुआ, उस दिन अतीक और अशरफ की प्रयागराज कोर्ट में पेशी थी, जहां उन्हें गुड्डू की गद्दारी का पता चला, जिसके बाद गुड्डू अतीक के गुर्गों की आंखों की किरकिरी बन गया और गुर्गे भी गुड्डू मुस्लिम से बदला लेने का प्लान बनाने लगे। बात करें गुड्डू मुस्लिम की, तो उसने महज 15 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। पहले वो छोटी मोटी चोरियों को अंजाम देता था, लेकिन फिर बाहुबलियों की पनाह मिलने के बाद उसने बम बनाना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक केस के सिलसिले में जब गुड्डू को जेल हुई तो माफिया अतीक ने उसकी जमानत कराई थी, जिसके बाद गुड्डू मुस्लिम अतीक का गुर्गा बन गया। वहीं अतीक के साथ गद्दारी और उमेश पाल हत्याकांड के बाद से गुड्डू फरार चल रहा है। पुलिस ने उस पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।